नांदेड जिल्ह्यातील हातगाव तालुक्यातील वारकवाडी येथील उग्रेन संघरक्षित ज्ञान केंद्राचा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात वातावरणात साजरा करण्यात आला केंद्रात गेल्या एकोणवीस यापुढे केंद्राच्या माध्यमातून धम्मकार्य जोमाने चालेल असे केंद्राचे सचिव प्रज्ञा रक्षित यांनी लॉर्ड बुद्ध टीव्हीवर सांगितले या प्रसंगी प्रवर्तक चंद्रबोधी चेअरमॅन धम्मचारी पदमसेन यांची प्रमुख उपस्थिती होती मैं धर्मचारी प्रज्ञारक्षित संरक्षित ध्यान भावना केंद्र का सचिव इस नाते से आ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2004 में 6 जून 2004 में उर्गेन संरक्षित ध्यान भावना केंद्र का लोकार्पण समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ था आज आ, इस केंद्र को 19 साल हो गए हैं और इस 19 साल में केंद्र ने बहुत तरक्की की है बहुत सारे लोगों ने इस केंद्र के लिए बहुत अपना आर्थिक वस्तु के रूप में योगदान दिया है और इस उर्गैन संग्रह धान भावना केंद्र को अभी तक शासन भी बहुत सारी मदद कर चुका है यहाँ हमारा जो केंद्र है तीर्थ क्षेत्र का दर्जा है क तीर्थ क्षेत्र का दर्जा है इसलिए बहुत सारे लोग पूरे दुनिया से इंग्लैंड से आते हैं ऑस्ट्रेलिया से आते हैं जर्मनी से आते हैं और बड़े बहुत सारे भारत के हर स्टेट के लोग यहाँ आते हैं और ध्यान धम्म शिविर बहुत सारे युव यो, युवा युवतियों के लिए भी यहाँ कार्यक्रम संपन्न होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस उन्नीस साल के विकास में बहुत सारे लोगों का योगदान है तो इस माध्यम से मुझे आपको बताना है कि उर्गेन संरक्षित ध्यान भावना केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा आप विजिट करिए और बुद्ध और बाबा साहब का जो विचार है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ने काम आप काम करेंगे यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और आने वाले दिनों में भी आप मुझे ऐसा लगता है इस केंद्र को विकास के और ले जाने के लिए हम सब प्रयास करेंगे हमारे इस केंद्र के प्रवर्तक धम्मचर्य आनागारी चंद्रबोधि जी ने बहुत ही मेहनत से इसे विकसित किया है नांदेड़ केंद्र या और केंद्र भी इस केंद्र को बहुत ही अच्छी तरह से मदद करते हैं तो आप सभी से मेरी गुजारिश है इस उन्नीस साल में जो विकास हुआ है तो आप सभी की बदौलत हुआ है और आने वाले दिनों में भी हम सब इस केंद्र को एक समाज को एक अच्छा आचरणशील बौद्ध व्यक्ति देने का काम करेंगे बस यही मैं कहना चाहता हूँ जय भीम मे बुद्धा